Good morning, students. Now we are going to start exercise 23.2. This is related to frequency table and find mean. A die was thrown 20 times and the following scores were recorded. Ye score tha aapka. We have discussed in last chapter frequency, about frequency, in chapter 22. Now this is score is 5, 2, 1, 3, 4, 4. Four how many times? Four times. It means frequency is four. फोर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फोर होगी. फाइव कितने टाइम्स आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. वन कितने टाइम आया है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. तो द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द गिवन डाटा इज फॉलोज. जो एक्स है वो हमारा डाटा है. एफ फोर फ्रीक्वेंसी. इन ऑर्डर टू कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन वी प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल. टेबल प्रिपेयर करेंगे. जो हमारा स्कोर होगा उसको हम एक्स आई डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को एफ आई. जब हम इसका मीन निकालेंगे तो सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास मीन निकालने का, एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई और डिवाइडेड बाय एफ आई. तो एफ आई और एक्स आई जो है, अब इनके बीच में एक्स आई और एफ आई लिखा, इट मीन्स वो मल्टीप्लाई होंगे जो फ्रीक्वेंसी थी उस स्कोर के साथ मल्टीप्लाई. 2 1 2 5 10 3 1 3 एंड 4 4 16 16 6 5 30 लाइक दिस. वी विल एड एफ आई एंड एक्स आई, सम इज 73 एंड अगेन एड एफ आई, सम इज 20 एंड डिवाइडेड बाय 73 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज मीन इज 3.65. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. द डेली वेज वर्कर, 15 वर्कर्स किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उसकी भी फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग यहाँ मेंटेन करेंगे. नंबर ऑफ वर्कर जो हैं वो फ्रीक्वेंसी में आएंगे. वेज कितने कितने जो हैं पैसों में काम कर रहे थे, 130 रुपीज़ में कितने वर्कर काम कर रहे हैं, 250 में, 4, 180 में, 6 और 200 में 3 कर रहे हैं. सो एफ आई और एक्स आई निकालने के लिए हम लोग इसकी करेंगे मल्टीप्लाई और एफ आई को ऐड करेंगे और फिर से वापस उसी फॉर्मूले के अंदर. मीन का जो फॉर्मूला है, इस साइन को हम बोलते हैं सिग्मा. एफ सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई. नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट्स इन केजी, 15 वर्कर इन फैक्ट्री. एक्स आई की वैल्यू है 60. जो वेट है 60, जो वेट है वो कितने वर्कर का है, 4 वर्कर्स का है, 63 5 का है, 66 3 का, 72 1 का, 75 2 का. तो मेंटेन द फ्रीक्वेंसी टेबल एंड एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जो ऐसा क्वेश्चन होगा सिर्फ वही कराया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है, ऐसे ही कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाला. क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड पी. जो एक्स के अंदर आपका पी आया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पे. जहाँ पी दिया है उस पी को जहाँ मल्टीप्लाई होगा वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 20p. और जहाँ ऐड होगा, क्योंकि ये हमारी फैमिली के साथ नहीं मीट कर रहा, विदाउट वेरिएबल के जो नंबर हैं वो अलग ऐड होंगे और वेरिएबल वाला अलग होगा. एफ आई इज इक्वल टू 50 है. यहाँ पे इसने कोई और वैल्यू भी गिवन दी है, हमें मीन की वैल्यू दी है 20.6. तो जहाँ हम फॉर्मूला लिखते हैं मीन इज इक्वल टू, तो वहाँ हम पुट करेंगे 20.6. मीन इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई. तो मीन की वैल्यू थी यहाँ पे 20.6. एफ आई और एक्स आई आपने निकाला, डिवाइड किया एफ आई से, ऐसे करके आपकी पी की वैल्यू निकल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 8 है. जो एक्स आई है वो 5, 10, 15 और 20 है. एफ आई की वैल्यू आपकी यहाँ पे 6, p, 6, 10 और 5 है. तो वी विल ऐड एफ आई. जहाँ पी है विदाउट वेरिएबल वाले नंबर के अंदर ऐड नहीं होगा, जहाँ पी मल्टीप्लाई में है वहाँ मल्टीप्लाई होगा, जहाँ 10 मल्टीप्लाई p 10p एंड वी विल ऐड विद इन पी. नाउ डिवाइड इज एफ आई. एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये है, एफ आई एक्स आई की ये है, तो मीन निकालना है. इसको डिवाइड करेंगे, मीन की वैल्यू गिवन है 15, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है पी की वो निकल जाएगी. क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सेम है, ऐसे ही पी तरह ही, उसी तरह यूज़ करना है पी का.
क्वेश्चन नंबर 10 सेम एज, क्वेश्चन नंबर 11 सेम एज, क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो सेम एज, बट आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 12 एक्स आई 15 एंड एफ आई. एक्स आई में 20 प्लस पी एंड एफ आई इज 5p. नाउ मल्टीप्लाई 5p मल्टीप्लाई बाय 20 100p प्लस 5p स्क्वायर एंड वी विल ऐड 15 प्लस 5p एंड दिस मीन इज 20 गिवन है पुटिंग दिस फॉर्मूला एंड नाउ वी हैव टू फाइंड p इज इक्वल टू 1. थैंक यू.